तो आप देख रहे थे लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से थोड़ा सा शांत दिख रहे हैं। मोर्चाबंदी थोड़ी ढीली पड़ी है क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय है नहीं, ऐसे में अब मोर्चाबंदी तो चलेगी नहीं, अब तो साथ साथ होने का संदेश देना पड़ेगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा। माना यह भी जा रहा था कि उनको बैकअप मिल रहा है बीजेपी का और लगातार वो मोर्चा खोले हुए थे, बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए थे। अभी मैं बीजेपी के दफ्तर में हूँ जहाँ पर बीजेपी के कई प्रवक्ता हैं, और क्या है इनकी राय, कैसे देखते हैं चिराग पासवान की बगावत को, बात करेंगे। चिराग पासवान की बगावत शांत हुई? चिराग पासवान ने कभी बगावत नहीं किया था, वो गठबंधन में है और आगे भी रहेंगे। वो अपनी बात कह रहे थे, उनके कहने का तरीके को मीडिया ने गलत ढंग से दिखाया। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान हम लोगों के गठबंधन के अहम सदस्य हैं और हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे, अभियान चला रहे थे, आप कह रहे हैं कि आप सहज फील कर रहे थे? नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ कभी उन्होंने अभियान नहीं चलाया, उनका कुछ एजेंडा था, सरकार से संबंधित कुछ बातें थी, इसी के लिए वो अपना कहना चाहते। सही था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो कुछ कन्फ्यूजन था उसको दूर कर लिया गया। अब चिराग पासवान मान गए? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के सदस्य हैं, हम लोग सब मिलकर एक साथ साथ लड़ेंगे। तो आपने सुन लिया एक प्रवक्ता की बात, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। चिराग पासवान कुछ मुद्दों को उठा रहे थे, वो जायज थे मुद्दे, अब सब कुछ सलट गया है। आइए बात करते हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है चिराग पासवान क्यों चुप हो गए, आप बहुत दिनों से मोर्चा खोले हुए थे। नहीं, मोर्चा नहीं खोले हुए थे, वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए में आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का प्रभाव है, फिर रामविलास जी पुराने नेता हैं और नीतीश कुमार जी हैं, ये गठजोड़ बहुत पुराना है और स्वाभाविक गठजोड़ है, और इसलिए यहाँ लोकतंत्र है, अपनी बात खुल करके कही जाती है, लेकिन चीज़ों को ठीक ढंग से सलट लेने का और जो चीज़ों को ठीक ढंग से टैकल करने का कि जो क्षमता एनडीए के अंदर है, और इसी का परिणाम है कि आज सब कुछ ठीक ठाक है, पहले भी ठीक ठाक था, कोई बात थी वो कह रहे थे, उस पर विचार भी हो रहा है। तो चिराग पासवान सही बात उठा रहे? नहीं, चिराग पासवान जी अपनी बात कह रहे थे और उन बातों पर विचार हो रहा था, और उन विचारों को यहाँ अपनी बात खुल करके कहने की सबको इजाजत है, नेतृत्व परिपक्व है, नेतृत्व क्षमतावान है, और इसलिए जो बात वो कह रहे थे उन पर बात विचार करके और फिर उसके बाद में जो एक रास्ता निकल सकता है। कहना है चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे थे, उनकी सरकार की, उससे बीजेपी कितना असहज महसूस कर रही है? कोई असहजता नहीं है, और मेरा ये कहना है कि चिराग पासवान जी अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे तो फिर इसके बाद आपस में बातचीत का भी रास्ता था और रास्ते थे और थे। आपको ध्यान में होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की थी और उनके बात को तवज्जो भी दिया गया था, और इसलिए यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ आपस में मिल बैठ करके बातचीत करके हम सारी बातें करते हैं और करते रहेंगे। तो चिराग पासवान के इस अभियान से बीजेपी के नेता बिल्कुल असहज नहीं थे, और आरोप तो लगता ही रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी का बैकअप मिल रहा है, और शायद ये बैकअप इसलिए है कि नीतीश कुमार ज़्यादा फैले नहीं, क्या यही बात है ना? देखिए, जिन मुद्दों को आपने उठाया है, चिराग पासवान कहीं से नाराज नहीं है, अपनी बात को रख रहे थे और एनडीए में रख रहे थे। सही बात था वो? देखिए, तरीका भी सही। देखिए, वो सही था या गलत था इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात को रख रहे थे, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक में कह दिया कि भाजपा, जदयू और लोजपा साथ रहेगी, साथ और साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि कोई कहीं बीच में संदेह नहीं है, उनका कोई बात अगर कोई होगा भी तो ये एनडीए के बीच में रखेंगे, उनकी बातों को भी तवज्जो दी जाएगी। तो आपने सुन लिया बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की दलील, और इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही थी एनडीए के अंदर, उसे सुलझा लिया गया है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में 25 से 28 सीटें जा सकती हैं, एक विधान परिषद की सीट मिल सकती है, जेडीयू 112 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, और बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार।